सरस्वती को किसका भंडार माना जाता है? विद्या, बुद्धि, धन, विद्या बुद्धि और विवेक। नंबर 2, विद्या की देवी किसे माना जाता है? दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती या फिर पार्वती? हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6th एनुअल एग्जामिनेशन के पेपर हिंदी के, जो अभी अभी एक सीबीएसई स्कूल में एग्जाम हुए हैं इसके। ये इसके हिंदी के पेपर हैं, तो चलिए पेपर्स हम लोग देखते हैं। अगर आपके बच्चे के एग्जाम नहीं हुए हैं तो आप इस पेपर से उसको एक बार अवश्य सॉल्व करवाएं। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके बच्चे के एग्जाम हो गए हैं या होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में छांटकर लिखें। देवी सरस्वती को आदिकाल से ही विद्या, बुद्धि और विवेक का भंडार माना जाता है। सरस्वती की पूजा विद्यार्थियों का त्यौहार है, जिसे बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। हर दिन विद्या की देवी सरस्वती के सामने हाथ जोड़कर सद्गुण और उच्च शिक्षा का वरदान मांगते हैं। इनकी पूजा से हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है। इनकी कृपा से मनुष्य गुणवान, चरित्रवान और प्रतिभावान बनता है। माँ सरस्वती के श्वेत वस्त्र क्षेत्र हैं, उनकी सवारी हंस है और वह सदैव कमल के फूल पर आसन रहती है। नंबर 1, सरस्वती को किसका भंडार माना जाता है? विद्या, बुद्धि, धन, विद्या बुद्धि और विवेक, तीनों का माना जाता है। नंबर 2, विद्या की देवी किसे माना जाता है? दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती या पार्वती। नंबर 3, माँ सरस्वती के वस्त्र कैसे होते हैं? काले, लाल, पीले या श्वेत। नंबर 4, हंस किसकी सवारी है? चामुंडा, सरस्वती, पार्वती या गौरी। नंबर 5, सरस्वती पूजा का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी, दुर्गा अष्टमी, बसंत पंचमी या नाग पंचमी। नंबर 6, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों को छाट कर लिखे। वास्तविक लोग ये देश के गांव और देहातों में है, उनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है जिसमें चेता, कजरी, बाहर माशा, शावन आदि मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत है। पंजाब में महिया आदि इसी प्रकार के है। ही रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाब में और ढोल मारो आदि के गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। लोकगीतों का वास्तविक संबंध किससे है? शहरों से, कस्बों से, गांव और देहातों से, दूर दराज के प्रांतों से। बंगाल के लोकगीत कौन से हैं? कजरी, चैता, महिमा, बाउल या भतियाली। नंबर 3, उत्तर प्रदेश के लोकगीत किस भाषा में गाए जाते हैं? पंजाबी, पूर्वी, राजस्थानी या गुजराती। नंबर 4, मैया लोकगीत कहाँ की देन है? बनारस, पंजाब, राजस्थान या बिहार। नंबर 5, राजस्थानी भाषा में कौन सी लोकगीत गाए जाते हैं? मैया, कजरी, बारहमासा या ढोला मारू। प्रश्न संख्या 2, निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखे। सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सेठानी, सेठी, सेठनी, इनमें से कोई नहीं। विदुषी शब्द का पुल्लिंग रूप होगा बिंदु, विद्वान, विदूषक। नंबर 2, गुड़िया शब्द का बहुवचन रूप होगा गुड़ियाएं, गुड़ियाएं, गुड़िया, गुड़ी। 1, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं दर्शन, एका, प्राण या दूध। ने पर सर्ग का कारक होगा कर्म, करण, कर्ता, अधिकरण। वहां डैश बहुत दुर्गंध आ रही है, इस वाक्य में उचित कारक क्या होगा? ने, को, से या के लिए। संबंधवाचक सर्वनाम है जैसा, वैसा, जो कोई, जो वही। मैंने रोटी स्वयं खाई है वाक्य में स्वयं शब्द का सर्वनाम भेद होगा प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। नंबर 5, विशेषण के कितने भेद हैं? 4, 2, 5 या 6। परिश्रमी व्यक्ति सदैव सुखी रहता है, वाक्यों में परिश्रमी शब्द से उचित विशेषण होगा परिणामवाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक या संख्यावाचक। नंबर 6, मोहन हंसता है, वाक्य में क्रिया के भेद हैं सक्रमक, सक्रमक और अक्रमक दोनों, अक्रमक या इनमें से कोई भी नहीं। नंबर 2,
पक्षी उड़ रहे हैं, मेक क्रिया है पक्षी रहे उड़ रहे हैं। नंबर सेवन, रमेश गृह कार्य कर रहा है, वाक्य में काल का भेद होगा, भविष्य वर्तमान भूतकाल इनमें से कोई नहीं। काल के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 1, 3, 8 या 4। नंबर एट, मैं सिद्ध आ जाऊंगा, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद होगा, परिणामवाचक कालवाचक संख्यावाचक या रीतिवाचक। नंबर टू, वर्षा होती रही है, इस वाक्य में प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त क्रिया विशेषण है, लगातार सहसा अचानक या जल्दी। नंबर नाइन, बिमल जर्मन सीख रहा है फ्रेंच, रिक्त स्थान में उचित अव्यव आएगा, परंतु बल्कि इसलिए न कि। नंबर टू, मुनिया ने सपना देखा डैश वह चंद्रमा पर बैठी है, रिक्त स्थान में उचित अव्यव आएगा, बल्कि परंतु की या इसलिए। नंबर टेन, रस शब्द में इला प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनेगा, रसैला रसीला रसीला और रेशीला। क्रिया विशेषण के भेद होते हैं 4, 2, 3 या 5। खंड को, खंड ख के अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दें। समुद्र के बीच कौन सा पर्वत था, रावण की मृत्यु के बाद किसका राजाभिषेक हुआ, राम और रावण के युद्ध में कौन विजयी रहा। नंबर फोर, राम का स्वागत किस गांव में किया गया। नंबर फाइव, हनुमान ने लंका नगरी में कब प्रवेश किया। नंबर सिक्स, सीता ने अपने गले का हार किसे दिया। नंबर सेवन, लक्ष्मण की चिकित्सा हेतु कौन सी बूटी मंगवाई थी। नंबर एट, सीता की पुकार सुनकर उसकी सहायता करने हेतु कौन आया। नंबर नाइन, लक्ष्मण के अचेत होने पर किसे बुलाया गया। एंड नंबर टेन, सीता को रावण ने कहाँ ठहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखें। लेखक ने राजरप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है। नंबर टू, झांसी की रानी कविता में काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है। नंबर तीन, हेलन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी। नंबर चार, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। नंबर पाँच, मैं सबसे छोटी हूँ कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। नंबर छः, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। नंबर सेवन, नागराजन के एल्बम में हिट हो जाने के बाद रजरप्पा के मन की क्या दशा हुई। नंबर वन, निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखें, कोई भी चार उत्तर इसमें से लिख लें। एल्बम चुराते समय राजरप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। नंबर टू, लोकगीतों की कुछ विशेषताएं बताइए। नंबर थ्री, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे। नंबर फोर, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। नंबर पाँच, रजरप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी से क्यों डाल दिया, अंगीठी में क्यों डाल दिया। नंबर फोर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है, शब्द सीमा 80 है, परोपकार या प्रातःकालीन सुबह की सैर या पुस्तकों का महत्व, इन तीनों में से किसी एक पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लेखन लिखना है। अपने क्षेत्र की गंदगी दूर करने के लिए इंदौर नगर निगम के अधिकारी को शिकायती पत्र लिखना है, या अपने मित्र को अपने साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने का निमंत्रण देने हेतु पत्र लिखना है, इन दोनों में से किसी एक पर पत्र लिखना है। नंबर छः, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लेखन कीजिए, शब्द सीमा 50 होनी चाहिए। विद्यालय में आयोजित खेल दिवस की तैयारी को लेकर दो मित्रों के बीच संवाद लेखन कीजिए, या परीक्षा की तैयारी को लेकर माता और पुत्र के बीच संवाद लेखन करना है। तो ये था हिंदी का क्वेश्चन पेपर क्लास 6 का, एनुअल एग्जामिनेशन के पेपर है 2023 के, जो आपने देखे। तो आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहे। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और हमें वीडियो में अवश्य कमेंट करके बताएं कि आप किस क्लास के क्वेश्चन पेपर और कौन से सब्जेक्ट के देखना चाहते हैं। थैंक यू।